सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट फ्रॉम इंडिया फोरम्स। सर फोड़ रहे थे एक दूसरे का चार्ट। पहले हम तीनों की तीनों एक ही वैनिटी में रहते थे, अब हम तीनों के पास अलग अलग वैनिटी थी। सही लग रहा था ना कि ये पॉइंट, वरना हम एक ही जगह रहते थे। दैट इज ट्रू। पहले हम लोग खुद ही जाके अपनी चाय लेकर आ रहे होते थे, अभी हमारे पास चाय आ जाती थी। नहीं नहीं, एसके भी बहुत दिन पहले। एसके की नहीं, एसके कहां लेता है यार, क्या दुकार के फोन काट देता है, उसका फोन नहीं उठाता है तेरे, क्या बात। एसके ने दिक्कत दी, ये फिर वही बात। मुझे बता रहे हैं कि एसके को इतना मत खो जाओ अपने जज्बे के चक्कर में कि आसपास क्या हो रहा है, उतना ही नजर आ रहा है। इन दोनों में से किसी एक को डिलीट कर दो, वो तू चूज कर। मैं मेरे सवाल है, क्या धैर्य हो अपने एक्स लवर के क्लोज फ्रेंड के साथ, प्यार सही है कि नहीं आपके? मैं जानती नहीं थी इन लोगों को इतना क्लोजली एट दैट टाइम। यू आर चार्ज टू देखा था देखा है ना। पहले लोग पूछते थे, फिर मैं खुद से भी पूछने लगी कि अब तक अगर एस्पिरेंट्स का सेकेंड सीजन नहीं आया तो मैं क्या करूंगी। एंड देन फ्यू मोमेंट्स लेटर एक धमाकेदार ट्रेलर, पॉपुलर कैरेक्टर्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ व्यूज और एक ऐसा टीम जो इतना पॉपुलर हो गया है कि उन्होंने हमें यूपीएससी एग्जाम के साथ फेमस कैसे होते हैं वो भी सिखा दिया। वेलकम टू इंडिया फोरम्स। वेलकम वेलकम। तो पहले तो मुझे ये पूछना है कि जो आप लोगों के स्पिन ऑफ बन गए हैं वो तो ठीक है, पर आपका स्पिन ऑफ क्यों नहीं बनता? आपका टीवीएफ के साथ कुछ प्रॉब्लम है? घर की मुर्गी वो यूट्यूब ब्रूटल लड़की है बहुत ज्यादा। मेरे को लगता है प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछेगी भाई। पहले सब पूछते थे, अब तुम सब पूछो। अभी तो सॉरी आ रहा था ना, अब देश का जवाब। यार मैं, मुझे स्पिन ऑफ पे चक्कर आता है। अच्छा नहीं, वो गुड़िया बनिया था। गुड़िया 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 था। मैं सोच रही थी क्या हो गया, इनका स्पिन ऑफ रह गया बस। हाँ वो रही गया, सबसे इंटरेस्टिंग गुड़ी है। अच्छा है ना, थोड़ा फ्रेशनेस सीजन टू के लिए भी बन जाए ना। राइट, सभी देखा होगा तो सीजन एस्पिरेंट कौन देखेगा। अबे यही तो मेन शो है। मेरा थोड़ी बैकग्राउंड दिखा दी है, मेरे माँ बाप के बारे में पता भी नहीं अभी तक किसी को। मेरे भी राइट। तो सीजन टू के ट्रेलर की बात करें तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन जैसे कि बोलते हैं यू नो विथ न्यू सीजन कम्स न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है और डू यू फील दैट एक एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है, क्योंकि ऑडियंसिस ने जो लव फर्स्ट सीजन को दिया है वैसे ही वो सेकंड को दे पाए उसके लिए? तो चाहते तो हुई आप कि उतना ही प्यार मिले, उसी तरीके से रिसीव करें लोग, बट वो इसलिए क्योंकि हम लोग उसे देख चुके हैं उस प्यार को और उस सक्सेस को। तो हाँ, कोशिश तो एज एन एक्टर एज राइटर्स डायरेक्टर्स सभी करते हैं उसी तरह का कुछ बना पाए, बनता है नहीं बनता है वो तो ऑडियंस के हाथ में, उनको कितना पसंद आता है। एक्चुअली जब ये शुरू भी हो रहा था ना तो मैं इन सबको बिठा के ज्ञान दे रहा था कि क्योंकि मैं एक सीजन टू मेरा आ चुका है। मैं कह रहा था गाइस वी हैव टू ट्रीट इट लाइक अ न्यू स्टोरी, अपने पे फालतू में वो बर्डन मत लो कि इट शुड बी एज गुड एज द फर्स्ट वन, और उस हिसाब से सोचो भी मत बिकॉज वो सब चीज़ें आपके हाथ में है नहीं। जो टेक्स्ट है इसको ऑनेस्टली प्ले करते हैं और देखते हैं, और फिर जो होगा रिजल्ट वो हमारे हाथ में है नहीं। फिर इनमें से किसी ने मुझे शट अप बोला और मैं चुप हो गया। तो बस आई मीन दिस व्हाट ये वो बोल रहा है तो चोरी नहीं था सीजन वन के लिए भी नहीं, बट वो बोल रहा है नहीं टू वन इज जो पूछ रही है ना कि डू यू फील दैट एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई डिडंट फील दैट, आई मीन दैट्स अ लाइ, आई मीन ये कहना चाह रहा है आई एम लिटिल स्केर्ड, बट विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम ग्रेट प्रेशर आल्सो। प्रेशर नहीं लेना चाहता। हां 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 नहीं, बाहर बाहर नहीं, ताकि आप, हम बिल्कुल चाहेंगे जो भी हमारा काम आ रहा है वो लोग देखें हिट हो, बट अननेसेसरीली दिमाग में इसको कंपेयर करो कि जिनको पहला पसंद आएगा वो, क्योंकि ये नहीं है, ये पहले जैसा नहीं है, इसमें पहले जैसी कहानी नहीं है, पहले वाले किरदार हैं लेकिन इस बार नए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, नए इश्यूज हैं। तो अब क्रिएटिव चीज में तो आप उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और सिनेमा में फिल्म मेकिंग में एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी काम चल नहीं सकता। हम अगर रिस्पॉन्सिबल हैं लेट्स सपोज एक्टर Right. और डायरेक्टर नहीं है, डीओपी नहीं है, म्यूजिक नहीं है, एडिट नहीं हुआ अच्छे से, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सो आई डोंट थिंक कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत फिल्म मेकिंग में खासकर बहुत बड़े सर्कल में होती है, वो एक दो आदमी के बस का बात ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। पर अच्छी कहानी कहने पर फोकस रखते हैं यार, बाकी पसंद आए ना आए वो तो हमारे हाथ में है। नमिता बॉडी, आई थिंक आई अग्री विद एवरीथिंग दैट हैज बीन सेड टिल नाउ, स्पेशली व्हाट सनी सेड अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाटएवर ही सेड प्लस वन टू दैट।
तो जैसे कि यू नो आपने जो ट्रांजिशन देखा है, हमने अभी पहले पूरा कॉलेज लाइफ दिखाया, आप लोग सब बहुत फन कर रहे हैं, बट यहाँ पे अब बात हो गई रियल लाइफ की, तो आपको शूटिंग के टाइम पे कुछ ट्रांजिशन लगा कि उतना ही फन चल रहा था, उतनी ही मस्ती चल रही थी इस बार? यस, पहले वाले में काफी फन चला, सर फोड़ रहे थे एक दूसरे का, देखो पहले में भी पास्ट प्रेजेंट था, ऑफ कोर्स इस बार प्रेजेंट ज्यादा है, बट पहले हमारी कहानी में आप प्रिपरेशन वाला पार्ट भी देख रहे थे तब भी, और अब इनका वर्किंग लाइफ वाले में भी आप पहुंच गए थे, अब ज्यादातर वर्क लाइफ की कहानी है, बट हाँ ऑफ कैमरा तो भी सेम पीपल हो यार, उससे आप प्ले क्या कर रहे हो उससे वो आई डोंट थिंक, जितना फन तब था तब अभी कुछ वो फर्क था कि पहले हम तीनों की तीनों एक ही वैनिटी में रहते थे, अब हम तीनों के पास अलग अलग वैनिटी थी, सनी भाई के पास अलग थी, ये पॉइंट, वरना हम एक ही जगह रहते थे, पहले हम लोग खुद ही जाके अपनी चाय लेकर आ रहे होते थे, अभी हमारे पास चाय आ जाती थी, वो थोड़ा फर्क पड़ा है, बट उसके अलावा बाकी चीजों में तो सेम है। और अगर ट्राइपॉड के एवोल्यूशन की बात करें तो उसमें क्या चेंजेस? वही वैनिटी अलग बेस्ट एवोल्यूशन, खाली वैनिटी नहीं, बट ट्राइपॉड जैसा कि आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि काफी फ्रिक्शन भी उनके बीच का नजर आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको क्या बोलते हैं, तो बहुत सेल्फिश है, क्या हुआ था, उसी सबके बीच की बातचीत है, तो ट्राइपॉड बिखरेगा रहेगा, बिखर के मिलेगा, मिलके बिखरेगा, ऑल दैट। अगर मैं बोलूं कि आप लोगों का जो शो है उससे ज्यादा आपके कैरेक्टर्स को भी बहुत इंडिविजुअली भी बहुत प्यार मिला था मॉडलिंग की, so what is that one thing of the character जो आप अपने real life में imbibe करना चाहेंगे और एक quality जो आप लोग delete करना चाहेंगे? I think Sandeep भैया should answer it first. मैं जो quality imbibe करना चाहूँगा और जो मैं कर रहा हूँ वो है माँ बाप प्यार दोस्त, मैंने अपने बीच में sacrifice कर रहा हूँ, और एक चीज जो नहीं करना चाहूँगा कि वही मैं भी वही आंसर है कि इतना मत खो जाओ अपने जज्बे के चक्कर में कि आसपास क्या हो रहा है उस पर ही नजर ना रहे, कोई बैलेंस वाली बात लाइफ का असली पर्पस बैलेंस होना है, तो दैट वो चीज नहीं खोनी। आई थिंक धैर्या बहुत सुलझी हुई लड़की है एंड शी हैज अ वेरी कंटेजियस पॉजिटिविटी, सो आई वांट दैट बिकॉज आई एम एनीथिंग बट दैट। और दूसरा डिलीट, तो देयर इज नथिंग, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग टू डिलीट, दैट्स इज देयर एनीथिंग दैट इज, इन दोनों में से किसी एक को डिलीट करना वो तो देख, वो तू चूज कर ले, प्लीज बी डिलीटेड, एनी काइंड ऑफ, सो वुड यू लाइक टू अंडू इट, क्या धैर्य, नो आई वुड लाइक टू स्टिक टू व्हाट आई हैव चोजन। मैं मेरे सवाल है क्या धैर्य को अपने एक्स लवर के क्लोज फ्रेंड के साथ प्यार सही है कि नहीं आपके? मैं जानती नहीं थी इन लोगों को इतना क्लोजली at that time, क्या चाय पी के देखा था, देखा है ना, बैठ के थोड़ी वहां पे बैठ के खुद चाय पी है, you were an individual, he was an individual, right. And circumstances yeah, were I love it to individuals, being individual is right, yeah. Ha individual se pyar hua to ye kyu hua ye bhi pata chalega isme, actually ha season 2 aap ko dekhna padega, abhi mujhe nahi pata ki dhairya abhilash ki chemistry abhi kya hai, मतलब मेरे लिए तो मुझे लगता है कि वही की दिल पे नहीं लेता है वो, मैं कई चीजें बहुत दिल पे ले लेता हूँ, मुझे बुरा बहुत जल्दी लगता है। नहीं नहीं, एसके भी बहुत दिल पे लेता है, एसके की नहीं, एसके कहाँ लेता है यार, क्या दुत्कार के फोन काट देता है, उसका फोन नहीं उठाता है तेरे, तेरी क्या बात, एसके दिल पे नहीं, ये फिर वही बात, अगर मुझे बता रहे की एसके को उसका एसके, अरे लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो, अरे वो सब तो आएगा अभी, ठीक है मैं पहले की बात कर रहा हूँ, अभी के बारे में नहीं बता सकते हैं, तो वो मुझे एक लगता है कि वो एक चीज मैं करना चाहूंगा, टू लेट गो ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे को सेंसिटिव पर्सन, आई डोंट वांट टू बी दैट सेंसिटिव पर्सन, तो बस वही एक चीज है। एंड यार मैं इसका जो डिसिप्लिन है, जो इसका फोकस है, वो मैं चाहूंगा कि मैं इंवाइट करूँ, यू नो टुवर्ड्स माय, बिकॉज इन माय हेड आई फील आई एम टू एंबिशियस बट आई डोंट डू एनीथिंग फॉर इट, सो यू नो दैट्स माय प्रॉब्लम। And what would I want to get rid of is ke I would again
मैं रिलेशनशिप्स पे भी मेहनत करना चाहूँगा जो मुझे लगता है अभिलाष नहीं करता है, तो वो मेरे में और उसमें वो भी कॉमन है थोड़ा, तो आई थिंक वो मैं चाहूँगा मुझ में ना रहे। आई वर्क ऑन रिलेशनशिप्स, मीट विद फ्रेंड्स और यू नो फैमिली। गुड आंसर राइट। अपने सवालों के सही जवाब देता, दूसरों के तो देता ही। तो सनी को छोड़ के ये बाकी सबके लिए आपका फेवरेट संदीप भैया डायलॉग है? मेरा संदीप भैया का जो फेवरेट डायलॉग है सीजन वन के होंगे बहुत सारे, बता तू पिक वन। आई थिंक जो छत की हमारी कॉन्वर्सेशन है ना, पहली छत पे हम मिलते हैं, पूरा सीन ही मैजिकल है। इट्स लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं, मैं रेडियो ठीक कर रहा होता हूँ, वो पूरा द एंटायर सीन आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दोस सीन्स, यू नो। सो हां इट्स बलब एंड सब्जेक्ट गर्लफ्रेंड, यानी गर्लफ्रेंड वाला इनफैक्ट नहीं, जो उससे पहले वो मुझे पूछते हैं कि तू आईएस2 बनना था, मैं फिर जवाब देता हूँ, तो वो मुझे बताते हैं कि टैक्स ये भी दे रहा था तब, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड द वे ही परफॉर्मड आल्सो वेरी, आई रियली एंजॉयड लिसनिंग टू इट इवन व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग। मुझे लगता है उस एक एक सीक्वेंस है जब ये ना खड्डा भरवा रहा होता है, सड़क टूट गई सड़क भरवा रहा है, वो बहुत ही बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट है, क्योंकि उससे पहले जो कुछ किया है संदीप भैया ने सिर्फ बताया है कि क्या करना है। दैट इज द फर्स्ट टाइम अखबार पढ़ते हुए देखते हैं कि लड़का कुछ कर रहा है, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम ही सेज टू हिमसेल्फ संदीप तू तो आईएएस बन रहा है। वो इतना प्यारा मोमेंट है क्योंकि वो सब कुछ डिफाइन कर रहा है, ही इज अ चेंज मेकर। उन्होंने सिर्फ बताया ही नहीं है, कुछ करवा भी दिया है, एंड ही इज आल्सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ। हालांकि मेरे लॉट अबाउट एक सेकंड सर, सॉरी क्या बोला था मैं, दैट शोज कि मतलब वो कैरेक्टर कितना कॉन्फिडेंट भी है और इंस्पायरिंग भी है। फॉर मी दैट वन मोमेंट, और अखबार पढ़ता है तू तो बन रहा है करके और निकल लेते हैं, वो बहुत प्यारा। और मेरे लिए दो डायलॉग हैं, एक तो वो जो एक ऑलरेडी बोली गया है, बल्ब से पावर भी जले, पावर से बल्ब भी जले है और करंट भी लगे, तू डिसाइड कर जो भी मेरे को करना है, एक वाला। और दूसरा जो आप जब आके जब मिलते हो आप सीजन में और वो कुछ एक एनालॉजी बताते हो चंद्रमा की जो घूमता है सैटेलाइट ऑर्बिट, वो जो पूरी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो सारी एनालॉजी बढ़ी बेसिकली जो आपकी जो मेरे लाइफ की जो रॉकेट थी जिसकी वजह से आप ऑर्बिट में पहुंचे थे और मैंने उसे ही बुला दिया, उसी गर्व करने वाला। आपको लगता है इन डायलॉग्स के वजह से यू नो क्योंकि एक्चुअली एक सेंसेशन बन गया है वो पूरा कैरेक्टर, तो आप क्या फील करते हो? मुझे लगता है कि ये डायलॉग्स राइटिंग दिपेश अप्पू ये लोग एंड द एंटायर टीवीएस टीम इज देयर मैजिक, मतलब एंड आई एम ग्रेटफुल टू बी द चोजन वन टू डू दिस। मुझे तब भी नहीं पता था, मुझे ये डेफिनेटली पता था ये शो बहुत अच्छा है, ये डेफिनेटली पता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये क्या मेरे लिए होगा कि नहीं होगा, बट ये भी मुझे पता था कि कुछ तो बेहतर होगा, लेकिन जिस तरीके से हुआ ये मैंने नहीं सोचा था। तो इट्स कम्प्लीटली क्योंकि कुछ हमने या मैंने या जिस तरीके से कुछ लिखा नहीं, तो ये जो खूबसूरती है जिस तरीके से वो लिखावट थी और जिस तरीके से उसको पिरोया गया और जिस तरीके से सब ने मिल के उसको पिरोने में साथ दिया, तो इट्स अ कोलैबोरेशन एंड आई एम अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट, दैट्स व्हाट आई फील एंड आई एम ग्रेटफुल टू बी वन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।